वहीं नजर डालेंगे बिहार की कुछ खास खबरों पर। खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां पर एक युवक ने मंदिर में जाकर अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। शादी के बाद युवक अपनी पत्नी को लेकर घर आया। 2 महीने के बाद पत्नी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई, जिसके बाद युवती की मां ने युवक पर उसकी बेटी के अपहरण के आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत कर दी। वहीं पुलिस से शिकायत के आधार पर युवक को जेल भेज दिया। दूसरी ओर युवक की मां का ये कहना है कि उनके बेटे को जेल से निकाला जाए, उसका कोई गुनाह नहीं है, दोनों ने प्रेम किया था, फिर अपहरण की बात कहां से आ रही है। महिला लगातार उच्च पदाधिकारियों के चक्कर काट रही है। उनका कहना है कि अगर उनके बेटे को जेल से नहीं निकाला गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। हमको सरकार से, हाकिम से इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आंख रहते हो बड़ा हाकिम, क्यों पट्टी बांध लिया? अपना आंख खोले कि सच्चाई क्या है। कोर्ट में बुला करके लड़के की माँ से पूछे कि सच्चाई क्या है। हम जब मर रहे हैं तो अपना बेटा के लिए जान दे करके भी बेटा को बहस करेंगे, बोलेंगे कि मेरा बेटा जो है ना पति नहीं माना उसको, लेकिन वो लड़की सब बोलती है कि मेरा दोस्त यार है। कैसा दोस्त यार, जो कि पति पत्नी का रिश्ता बना चुकी है, वो कहती है दोस्त है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिहार के समस्तीपुर जिले से है, जहां पर मुखिया वैज्ञानिक कृषि अधिकारी की उपस्थिति में गौसपुर सरसौना पंचायत भवन पर किसानों के बीच जुलाई में 500 पैकेट बीज बांटे गए। किसानों ने पूरी मेहनत से अपने अपने खेतों में धान लगाया। बाजार से बीज लेकर रोपने वालों किसानों को बेहतर पैदावार के साथ फसल तैयार हो गई, जबकि सरकारी बीज रोपने वाले सैकड़ों किसानों के खेत में बाली अभी भी घूम रही है। कुछ खेतों में मरहिना काली एवं खकरी बाली निकली है। वहीं आपको बता दें कि धान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, इससे किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। ये लोग हमारा यहाँ आके गाली देते हैं, हमारा यहाँ कहते हैं जेना करेंगे ना करेंगे, तब बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? सरकार के द्वारा मिला पूसा एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक सब लोग आकर बांटे, हम खुद रोपे हुए हैं 12 कट्ठा। जो बता दो चारा लिया हन जे धान नहीं होले हन ओकरा उपजा देतीन। गरीब आदमी छी, बनिहारी करे छी तो खाए छी। की नाम है? मंजू देवी। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के टीम ताजपुर प्रखंड के गौसपुर सरसौना पंचायत में किसानों के आग्रह पर उनकी धान की फसल जांच के लिए आए हैं। सैकड़ों किसानों के धान के फसल को हम लोगों ने देखा, बहुत किसानों के धान के फसल अभी भी घोघ में हैं, कुछ में मरहन्ना खखरा बाली निकला है, यूँ कहा जाए तो पूरी तरह से ये फसल बर्बाद है। सरकारी बीज रोपने पर उसमें बाली ना आने का मामला सामने आया है। सैकड़ों एकड़ जमीन है जिसमें किसान ने सरकारी धान की रोप की, लेकिन उसमें बाली नहीं आया। हम यहाँ की प्रशासन से, किसी पदाधिकारी से उसकी जांच कर, और जो वहाँ की पब्लिक है जो धान की रोपनी की है उनको मुआवजा की मांग करते हैं। और इस प्रकार का मामला तमाम प्रखंडों में आया है, तमाम जगहों पर वो अपनी टीम को भेजकर उसकी जांच कर ले, अन्यथा इस पे आंदोलन होगा। वही खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर रविवार के दिन ही तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आदेश अनुसार विश्वविद्यालय की सारी इकाई खोली जा रही है। वही रविवार के दिन जैसे वर्किंग की तरह कार्य किया जाता है, वैसे ही आज छुट्टी के दिन सारा कार्य किया गया। सभी विभागों के कार्यालय विकार किए गए और सभी महाविद्यालयों में कक्षाएं भी चलाई गई हैं। हालांकि कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम थी, लेकिन विश्वविद्यालय के लगभग सभी पदाधिकारी कर्मी और शिक्षक उपस्थित रहे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।